गाइस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप। आज एपिसोड में रिएक्शन, आज हम देखने वाले हैं रमजान स्पेशल टिकटॉक वीडियो। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी रमजान स्पेशल की टिकटॉक करो, हमने कहा क्यों नहीं, देखते हैं रमजान स्पेशल की टिकटॉक कैसी और रमजान में सब क्या क्या कर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं रमजान। कमेंट करके बताना कैसा गुजर रहा है, तो लाजमी बताना क्या क्या रूटीन है आपकी। तो चले वीडियो देखते हैं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वी गो लेट्स सी। अरे तुम्हारा रोजा है भाई? अरे वो मैं सो के उठी ना तो मेरे गले में कुछ अजीब सा रहा था, तो मैंने एक घूंट पानी का पी लिया। फिर बाद में मुझे याद आया कि अरे मेरा तो रोजा था, फिर तो ऐसे टूट गया मेरा रोजा। अगर गलती से हमने कुछ खा लिया हो या कुछ पी लिया हो तो हमारा रोजा नहीं टूटता, अगली बार से ध्यान देना। और तुम अभी भी रोज़े से। यस 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 मां, शाम मां। बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो। अभी नहीं, अभी गेम चालू है। बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो बेटा। मैंने कहा ना अभी नहीं पढ़नी, गेम चल रहा है। मार दो। ये मैं जीत गई। क्या ये गेम नमाज और माँ बाप से बढ़कर है? नहीं ना, तो प्लीज अपने माँ बाप की बात सुनिए। वालेकुम, क्या हो गया भाई, इफ्तार में करेला खा लिए थे क्या? मूड खराब दिख रहा है आज। हाँ तो तू ये यो-यो स्टाइल में सलाम अलैकुम करेगा, मुझ पे लानत भेज रहा है, तो मैंने भी वालेकुम बोल के तुझ पे लानत वापस भेज दी। आई सलाम अलैकुम मतलब तुम पर लानत हो, किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम मतलब तुम पर सलामती हो। अगर दोबारा तूने ये यो-यो स्टाइल में सलामती की जगह बदुआ दी तो। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं पता था, अब दोबारा मिलूंगा तो अस्सलाम अलैकुम कहूंगा। वालेकुम अस्सलाम। सहरी के लिए देते हैं ट्रिप। अगर आपको सहरी के बाद पेट में दर्द हो या पेट में जलन हो तो अल्लाह के वास्ते कम खाया। सहरी है तुम्हारे चिंता अच्छी ट्रिप। अस्सुबहु बदामिन طالعته والليل دجا وہ تنہا کون ہے اللہ هو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ هو اللہ مہربان وہ کون ہے इफ्तार खाने मिलेगा आज बेटा? इफ्तारी में सिर्फ यही है, उनका काम नहीं चल रहा ना। कोई बात नहीं मामी, अल्लाह है ना, वो सब देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ये इफ्तारी के टाइम कौन आया है, बैल बज रही है? इफ्तारी लेके आया होगा। ये अरिशफा, तुम सही कह रही थी, अल्लाह सब देख रहा है, पड़ोस वाले इतना सारा इफ्तार दे गए हमें। देखो मैंने कहा था ना मामी, अल्लाह सब ठीक कर देगा, और ये पड़ोस वाले नहीं, ये अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। चलो दुआ करते हैं और अपना रोजा खोलते हैं। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। मुझे मौलाना तारक जमील साहब का ये बयान बहुत पसंद है, औलाद की शादी करने में देर ना करें। मैं रोजाना घर में फुल आवाज करके ये सुनता। ओ लल्लू कहाँ जा रहे है? ओ भाई और क्या गलत काम करने वाला है? अस्सलाम वालेकुम। हे क्या बोला और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे यार मैं तेरा मजाक उड़ा रहा था और तू मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है? वो क्या है ना, हमारे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सिचुएशन में होते तो वो भी यही किए होते। तो ये नमाज का वक्त है। यार भूख भी बहुत लगी है, मम्मा कुछ खाने के लिए दो ना। लाती हूँ दो मिनट। ठीक है, मेरा तो पेट भर गया। मम्मा आपने तो खाया ही नहीं, हमने तो सब खा लिया। मेरा रोजा है ना बेटा। ईशान मम्मा का रोजा है,
लेकिन वो घर के सारे काम कर रहे हैं, क्यों ना हम उनकी हेल्प करें उनके काम में। आजा लाओ मम्मा, मुझे दे दो आपका रोजा है। नहीं बेटा मैं कर लूंगी। नहीं मम्मा प्लीज। अरे मम्मा आप काम क्यों कर रहे हो, आपका रोजा है ना, आप जाके आराम करो। बेटा मैं धो लूंगी। नहीं मम्मा मैं कर लूंगी, मुझे दीजिए आप जाइए। हमारी मम्मा हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, थोड़ा भी नहीं कर सकते। और मदर्स डे सिर्फ एक ही दिन नहीं, हर रोज होता है। हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू मम्मा फॉर एवरीथिंग। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमारी वीडियो थी और रमजान से रिलेटेड थी, बहुत चीज़ें, बहुत ही परफेक्ट वीडियो थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज भी थे। और आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी और आपका रमजान कैसा गुजर रहा है, कमेंट करके बताओ। लाजमी बताओ, अपनी रूटीन शेयर करो, आप रमजान में क्या करते हो। मैसेज देखा जाए ज्यादातर लोग रात को क्रिकेट खेल रहे होते, क्या आप भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं और क्या रूटीन है, जरूर बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या लगी।